नमस्कार, इजी कुकिंग एंड मोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया। आज मैं यहां पर बनाने वाली हूं आलू का चोखा या आलू का भुर्ता। अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में बहुत ज्यादा मसाले वाली सब्जियां खाने का दिल नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छा डिश है जो कि आपके खाना को स्वादिष्ट भी बनाएगा, हेल्थ के लिए भी ठीक है और इसमें कोई मसाले नहीं। इसे बनाने के लिए बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है। हमने लिया है 5 उबले आलू जिसके छिलके हमने हटा लिए हैं, और नमक, सूखी लाल मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज और सरसों का तेल। सबसे पहले उबले हुए आलू के हमने छिलके हटा लिए हैं, फिर उसे अच्छे से मैश कर लिया है। कहीं भी गांठ नहीं रहना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से आलू को मैश करके रख लेना है। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसे गैस स्टोव पे गर्म करके उसमें तीनों लाल मिर्च फ्राई कर लिए हैं। अब मैश किए हुए आलू में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब भुने हुए मिर्च को कैंची से काट काट कर डाल देंगे। सारी सामग्री को अच्छे से मिला देंगे। इसे इतने अच्छे से मिला लेना है कि नमक, मिर्च, तेल जो भी है वो सभी मैश किए हुए आलू में अच्छे से मिल जाए। अब प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज मिलाएं, नहीं तो इसे रहने दें। यहाँ पे प्याज भी डाल दिया हमने और इसे अच्छे से मिला लिया है। चोखा बनकर तैयार है बिल्कुल। आप इसे खिचड़ी के साथ या चावल दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है और बिल्कुल साधारण तरीके से बनता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।